Children, today we will revise lesson 1, storage and memory devices of your book. So children, हम पढ़ेंगे कि data और information क्या होते हैं. So children, computer है वो अपने आप तो work करता नहीं है. So हमें क्या enter करने की जरूरत पड़ती है? Characters, instructions enter करने के लिए जरूरत पड़ती है. जो ये character होते हैं like alphabets, digits, special characters, इन्हें हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं. ठीक है. और चिल्ड्रन, जब ये डेटा प्रोसेस्ड हो जाते हैं तब उनसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन. ओके. जो डेटा होता है वो क्या होता है? रॉ फैक्ट्स की कलेक्शन होती है. ठीक है. और जब वो प्रोसेस्ड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन. ओके चिल्ड्रन. डेटा स्टोरेज की यूनिट्स क्या होती हैं चिल्ड्रन? जब भी हम कंप्यूटर में कुछ डालते हैं, कोई डाटा डालते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है चिल्ड्रन? मशीन कोड्स में. ठीक है. कंप्यूटर सिर्फ क्या अंडरस्टैंड करता है चिल्ड्रन? टू स्टेट्स अंडरस्टैंड करता है, या तो ऑन या फिर ऑफ. ऑन का मतलब है 1, ऑफ का मतलब है 0. ठीक है. और ये जो टू डिजिट्स हैं 0 और 1, इसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स. और क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं. सो जो कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? बिट्स की फॉर्म में होता है. और इसको हम मेज़र कैसे करते हैं? बाइट्स की फॉर्म में मेज़र करते हैं. ये क्या है चिल्ड्रन? मेमोरी साइज है. 8 बिट्स किसके इक्वल होती हैं? 1 बाइट के इक्वल होती हैं. और 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट के इक्वल होती हैं. सो यहाँ पे सभी क्या है? मेमोरी साइज दिए हुए हैं. नेक्स्ट है टाइप ऑफ मेमोरीज. कंप्यूटर में चिल्ड्रन बहुत तरह की मेमोरी होती है. ठीक है. और कुछ होती है टेम्परेरी, कुछ होती है परमानेंट. सो चिल्ड्रन, मेमोरी क्या है? 2 टाइप्स की है इधर. इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. ओके. उसके फर्दर्स और पार्ट्स भी हैं चिल्ड्रन. फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि इंटरनल मेमोरी क्या होती है. इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी बोलते हैं. ये क्या है? बिल्ड इन मेमोरी है. ये कंप्यूटर के अंदर पहले से ही होती है और ये डाटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं. और इसमें डाटा एक्सेस करना ईजी होता है और चिल्ड्रन और फास्टली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं. और इंटरनल मेमोरी 2 टाइप्स की होती है. एक तो होती है रैम और एक होती है रोम. रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी. सो रैम क्या होती है चिल्ड्रन? इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली एंड वर्क्स लाइक अ ब्लैक बोर्ड दैट कैन बी कॉन्स्टेंटली ओवर रिटन विद न्यू डाटा. जो रैम होती है वो टेम्परेरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है. ओके चिल्ड्रन. द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर और व्हेन द पावर गोज ऑफ. जब चिल्ड्रन कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं या पावर चली जाती है, सो चिल्ड्रन उसमें क्या होती है? जो स्टोर होता है उस टाइम डाटा मेमोरी के अंदर वो लॉस्ट हो जाता है. रीड ओनली मेमोरी. ठीक है चिल्ड्रन. इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज. द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन ओनली बी रीड एंड कैन नॉट बी चेंज. ठीक है. जो रोम में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाते हैं चिल्ड्रन, उसे हम रीड कर सकते हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं. और इसमें हमेशा इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है. अगर पावर स्विच ऑफ भी हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन हमेशा स्टोर रहती है. और इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू रैम. नेक्स्ट है चिल्ड्रन एक्सटर्नल मेमोरी. इट इज़ अ डिवाइस डैट इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड. लॉन्गर पीरियड के लिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ करते हैं. ठीक है. और इसमें जो डाटा होता है वो लॉस नहीं होता है अगर हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं. और ये बहुत ज़रूरी है चिल्ड्रन, क्योंकि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें क्या होती है? एक लिमिटेशन होती है. सो इसलिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है. और इसको तभी हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं.
स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं चिल्ड्रन? लाइक हार्ड डिस्क, ठीक है. इट इज़ द मेन स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर. इट इज़ मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्क नोन एज प्लेटर्स. ये किससे बना होता है चिल्ड्रन? डिस्क के कलेक्शन से बना होता है, जिसे हम प्लेटर्स बोलते हैं. और ये सीपीयू बॉक्स में फिक्स्ड होती है और इसके अंदर हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं. और इसकी जो कैपेसिटी है वो है हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 8 TB ऑफ डाटा, ठीक है. और अब तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल विच आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी कैरिड एनीवेयर. और अब तो चिल्ड्रन जो हार्ड डिस्क है वो मतलब कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी बनने लग गई हैं, जिसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं. नेक्स्ट है सीडी. सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है. ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है चिल्ड्रन. सीडी क्या है? थिन होती है, पतली होती है और शाइनिंग सा सरफेस होता है, सर्कुलर होती है ये, ठीक है. और ये 700 MB तक की डाटा को स्टोर कर सकती है, ठीक है. और इसमें हम टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड्स, इमेजेस, वीडियोस को स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट है चिल्ड्रन डीवीडी. डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क. ये भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है और इसमें हम चिल्ड्रन मूवीज डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, ठीक है. और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB टू 17 GB. नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क. इट इज़ अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट डैट कैन स्टोर अप टू 128 GB ऑफ डाटा. ये देखिए कितना सारा डाटा स्टोर कर सकता है ब्लू रे डिस्क. सो ये किस लिए यूज़ होता है? हाई क्वालिटी साउंड चीज़ों के लिए यूज़ होता है, गेम्स मूवीज डालने के लिए यूज़ होता है, ठीक है. नेक्स्ट है फ्लैश ड्राइव्स. इसको हम पेन ड्राइव्स भी बोलते हैं चिल्ड्रन. ये क्या है? साइज में स्मॉल होता है और इसे हम कहाँ कनेक्ट करते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, USB पोर्ट में इसे हम कनेक्ट करते हैं. ये इसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, वेट जो होता है लाइट होता है और हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है. और इसमें हम डाटा को कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. फ्लैश ड्राइव जो है चिल्ड्रन वो 2 TB ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है, ओके. नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड. मेमोरी कार्ड क्या है चिल्ड्रन? ये भी एक पोर्टेबल डिवाइस के अंदर हम इसको डाल के इसका यूज़ कर सकते हैं. और ये किस में यूज़ होता है? मोबाइल्स में भी यूज़ होता है, डिजिटल कैमराज में, म्यूज़िक प्लेयर्स में, और हम इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं. दिस डिवाइस ट्रांसफर इमेज एंड म्यूजिक फाइल्स इनटू कंप्यूटर बाय यूजिंग अ मेमोरी कार्ड रीडर दैट कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर थ्रू अ USB केबल. तो चिल्ड्रन कार्ड रीडर के अंदर हम मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और इसको फिर कंप्यूटर से कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है कंप्यूटर पोर्ट्स. अ कंप्यूटर पोर्ट्स इज अ कनेक्शन पॉइंट और इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस. ये देखिए CPU के पीछे क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं, ओके. इसी से हम माउस कनेक्ट करते हैं, ठीक है. और इंटरनल पोर्ट्स में कनेक्ट डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव, CD-ROM, CD-Drive, वेयर इज एक्सटर्नल पोर्ट्स कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक मॉडम, प्रिंटर, माउस एंड अदर डिवाइसेस, ओके. इससे हम मॉडम, प्रिंटर, कीबोर्ड जैसे भी डिवाइसेस को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, रिवाइव करते हैं. फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स. द डाटा विच वी पुट इन टू द कंप्यूटर इज प्रोसेस्ड बाई द, जो हम डाटा कंप्यूटर में डालते हैं वो कौन प्रोसेस करता है? CPU. द प्रोसेस डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन. द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स. अ फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलरली नोन एज फ्लैश ड्राइव को और हम क्या बोलते हैं? पेन ड्राइव. द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन द पावर गोज ऑफ. अगर कंप्यूटर की पावर चली जाती है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, जो इन्फॉर्मेशन रैम में स्टोर होती है वो भी क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है. नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेप्ट मेमोरी. नो चिल्ड्रन, रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, सो दिस इज फॉल्स. 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 GB, दिस इज फॉल्स. The set of characters like alphabet, digits or special character that present
Facts or figure is known as data. Yes, this is true. It is easier and faster to access data from external memory. No, children. Internal memory stores information for a longer period. No, children. External memory जो होती है वो information को ज़्यादा longer period के लिए store करती है. Next है application based question. First is, Aryan could not finish his project work in the class. जो Aryan है children, उसने अपना जो project work है वो class में complete नहीं किया है. So he wants to carry the soft copy of the project to his house to finish it. तो वो उसकी जो soft copy है वो जाता है कि वो अपने घर ले जाए और अपना घर पर काम कर ले. तो उसको जो project है वो किस में copy करना चाहिए? Pen drive में. Okay. Next is, Raghav wants to copy 3 movies on a disc from his friend as he wants to watch them at his place. Which storage device will you suggest to him to copy all the movies? So, जो Raghav है children, वो 3 movies को copy करना चाहता है अपने friend से. तो आप उसे कौन सा device suggest करेंगे movies copy करने के लिए? DVD. Okay. Next is, multiple choice question. So, children, जो भी आपके midterm examination में क्वेश्चंस आएंगे वो सारे ही क्या होंगे? एमसीक्यूज होंगे. एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, सो आपको पूरे लेसन को अच्छे से रीड करना है. द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन डैश कैन नॉट बी चेंज बट कैन बी रीड. कौन सा इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड जो होती है हमारे पास इंस्ट्रक्शन, वो ऐसी कौन सी हैं जो जिसको हम रीड कर सकते हैं चेंज नहीं कर सकते? डैट इज रॉम. रीड ओनली मेमोरी. Next is, name the CD on which the data can be erased and rewritten many times. ऐसी CD children जिसमें हम data को erase कर सकते हैं और rewrite भी कर सकते हैं. That is CDRW. Flash drive can store up to dash of data. Flash drive में हम कितना data store कर सकते हैं? 2 TB तक. Internal memory is also known as, इंटरनल मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी बोलते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं. सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज, द डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर इन. जो कंप्यूटर मेमोरी में डाटा स्टोर होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं? बाइट्स में मेजर करते हैं. विच स्टोरेज डिवाइस हैज द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? पेन ड्राइव. ये देखिए चिल्ड्रन, एक्सटर्नल मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी. ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है? 128 GB. डीवीडी की 4.7 to 17 GB. और रैम क्या होती है? इंफॉर्मेशन स्टोर टेम्परेरी. ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. राइट द शॉर्ट नोन हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. हमें बताना है कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर कैसे होता है. सो द डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. बिट्स के फॉर्म में कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है. वो बिट्स कौन से होती है? 0 and 1. 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन स्टेट. और ये किस में मेजर होता है? बाइट्स में मेजर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी. सो हम डिफरेंशिएट करते हैं इंटरनल मेमोरी. इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी और मेन मेमोरी. और एक्सटर्नल मेमोरी को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी. इंटरनल मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, जबकि जो एक्सटर्नल होती है उसकी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है. इंटरनल मेमोरी टेक्स लेस टाइम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम इंटरनल मेमोरी. ठीक है, इसमें क्या है? टाइम कम लगता है डाटा एक्सेस करने के लिए, और इसमें जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है डाटा एक्सेस करने के लिए. राइट डाउन द फीचर्स ऑफ रोम. हमें रोम के फीचर्स बताने हैं रीड ओनली मेमोरी के. सो फर्स्ट पॉइंट है, इट होल्ड्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन. ये जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होती है वो होल्ड करके रखता है. रोम स्टोर्स इंफॉर्मेशन इवन द व्हेन द पावर गोज ऑफ. अगर पावर चली जाती है चिल्ड्रन, अगर हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, तब भी जो रोम में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो स्टोर रहती है. इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन ओनली बी रीड. जो इंस्ट्रक्शन रोम में स्टोर होती हैं वो उसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज, व्हाट इज मल्टीमीडिया कार्ड. ठीक है, सो मल्टीमीडिया कार्ड इज अ स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक मोबाइल, डिजिटल कैमरा एट्सेट्रा.
ये क्या है, मल्टीमीडिया कार्ड स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, जिससे हमारे जो पोर्टेबल डिवाइस होते हैं जैसे मोबाइल हो गया, कैमराज हो गए, इसमें मल्टीमीडिया का कार्ड का यूज़ हम करते हैं। इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड हैज़ स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 512 GB। ठीक है, ये साइज़ में स्मॉल होता है और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 512 GB। नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्लैश ड्राइव, एक्सप्लेन ब्रीफली। फ्लैश ड्राइव क्या होती है चिल्ड्रन, फ्लैश ड्राइव इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू USB पोर्ट। फ्लैश ड्राइव क्या है, एक प्लग की तरह होता है जो कहाँ कनेक्ट होता है, कंप्यूटर में USB पोर्ट में कनेक्ट होता है। और ये कितने डाटा को स्टोर कर सकता है, 2 TB तक डाटा को स्टोर कर सकता है और इसे हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं। सो चिल्ड्रन, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है। बाय चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।